नमस्कार दोस्तों, बड़ा एक्साइटेड मैटर है। वीवो का फोल्ड आ गया है और वीवो का फोल्ड ऐसे नहीं आया है, इतने कमाल कमाल फीचर्स के साथ आया है कि इसमें साथ इतनी सारी चीजें जो इंडिया में पहली बार मिलेगी आपको। और इस फोन को यार मैं देख रहा हूँ बस, और देखते हुए आपको क्या बताऊँ, ऊपर के डब्बे पर वीवो एक्स फोल्ड 3 लिखा हुआ है, और ऐसे अगर देखा जाए तो एक चीज और लिखी है, वीवो इंडिया मैन्युफैक्चरिंग के लिए, और इसके आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। और अब इसको मैं तो अनबॉक्सिंग कर ही दूँ, क्योंकि रहा ही नहीं जा रहा इसको अनबॉक्सिंग करे बगैर। और बड़ा सारा डब्बा है, अपने आप में बड़ा यूनिक है, और यार ये बहुत जरूरी भी था यार। फोल्ड में जो मोनोपोली थी, मैं इतना कभी कभी इतना परेशान हो जाता हूँ सैमसंग के फोल्ड को लेकर के, कि वो गर्म बहुत होता है, बैटरी बहुत खाता है, मतलब इतनी बैटरी खाता है कि मैं थक जाता हूँ उसको चार्ज करते करते। तो इन चीज़ों से थोड़ा सा तो निजात मिल जाएगा। और प्रीमियम सेगमेंट में कोई और कंपनी होनी चाहिए जो आपको एक बेहतरीन फ़ोन दे, जो आप जैसा चाहो वैसा हो। ये तो हो गया इसका फोल्ड, और इस फोल्ड के बाद में अंदर की तरफ अपन देखेंगे ना इन्होंने क्या क्या दिया है। निकल जा, ये तो बहुत सारे कागज ही हैं जो आपको तो पढ़ने में नहीं आएंगे। इसमें वो होगी सिम निकालने की ट्रे भी, ये है मेन चीज़ जो यार पहली बार ऐसा हुआ है कि ये कुछ बेहतर कर रहे हैं, कि इतने बढ़िया चार्जर दिए हैं। क्योंकि सैमसंग साला 2500 से चार्जर होता है, उससे ज़्यादा से होता ही नहीं, बड़ा वाला लगाओगे तो ये C2C केबल दी है। अब इसका चार्जर कैसा दिया ये भी देख लेते हैं। निकल जा सिम सिम, ओए होए ओए होए ओए होए, 100 वाट का चार्जर दिया है, बड़ा शानदार सा होगा इसका परफॉर्मेंस, क्योंकि चार्जिंग का तो पंगा था ही अपने जीवन में कि यार थोड़ी देर में चार्ज हो जाए तो बेहतर है। ये सब साइड कर देते हैं, ये जो भी इसमें से निकला है। अब अपने को मुख्य चीज़ पर, क्या बात है यार, सच में इतना पतला है क्या? मैं तो क्या फोल्ड कंटिन्यू चला रहा हूँ 4-5 सालों से, तो मुझे तो पता है कि फोल्ड कैसा होता है, पर ये सच में क्या तो वजन नहीं है, बिल्कुल भी वजन नहीं है इसमें, और बहुत पतला है यार, क्या बात है। अगर आप इसको ढंग से देख पा रहे हो ना, ये बहुत पतला फ़ोन है यार, बहुत पतला और बड़ा क्यूट सा फ़ोन है। इसके अंदर बहुत सारे खूबसूरत फीचर्स होंगे, वो सब मैं बताता जाऊँगा। पहले ओवरऑल इसको पहले देख तो लें अपनी एक नज़र भर के। ऊपर की तरफ देख रहे हो एक्स्ट्रा स्पीकर और AR ब्रास्टर, मतलब रिमोट का काम भी हो जाएगा, सेकेंडरी माइक। इधर की तरफ देख रहे हो वॉल्यूम बटन ऊपर नीचे, और एक पावर की। नीचे की तरफ अगर अपन देख रहे हैं तो माइक हो गया, टाइप सी चार्जिंग हो गई, फिर माइक हो गया, और ये हो गया आपका स्पीकर ग्रिल, और यहाँ पे सिम ट्रे लग रही है नीचे की तरफ, ठीक है। और ये एक बटन दिया है इन्होंने, शायद साइलेंट करने वाला, एप्पल की तरह बटन बना दिया इन्होंने, यहाँ से साइलेंट करना है बस, बाकी और कुछ भी नहीं है। आगे की तरफ एक कैमरा है, पीछे की तरफ अगर हम देखेंगे तो जायज लिखा है, और ये टेलीफोटो लेंस और 2 कैमरे एक्स्ट्रा और 2 फ्लैशलाइट, यही चीज़ है। और यहाँ पे मखनिया माल लग रहा है यार, एकदम जैसे होता है ना वेलवेट जैसा फील आ रहा है इस जगह से। तो बस अब इसको करते हैं फोल्ड। ओए होए होए होए, क्या पतला है यार। पता है दोस्तों, फोल्ड जो है भारत का सबसे लाइट वेट वाला फ़ोन है, तो इंडिया लाइटेस्ट फोन दिस फोल्ड 236 ग्राम का। और दूसरी बात है, दूसरे फोल्ड के मुकाबले भी पतला है, तो भारत का पहला फोल्ड है जो इतना पतला है। इसका है 11.2 mm थिकनेस के साथ आया है। ये दोनों चीज़ें इसको भारत में पहली बार ही मतलब बताते हैं। ऐसी और भी चीज़ें हैं जो भारत में पहली बार है। इससे पहले इसको मैं बूट कर लूँ, एक बार ऑन कर लूँ, ऑन करके फिर बताऊँ, क्योंकि ये जो डिस्प्ले है ना फोल्ड की, ये भी भारत में पहली बार ही इतनी बड़ी डिस्प्ले मिलेगी जो है 8.03 इंच की, और उससे भी बेहतर है 4500 nits पीक ब्राइटनेस। मतलब आप इसकी जो ब्राइटनेस और डिस्प्ले क्वालिटी होगी ना, वो इतनी अल्टीमेट होगी कि आप कह दोगे कि यार धूप में देखो चाहे छांव में देखो या कोई भी पिक्चर देखो या कोई भी, हर चीज़ चटक रंग में आएगी, इतनी एकदम खूबसूरत सी। इसके बाद की एक चीज़ और ज़ोरदार डाली इन्होंने कि इसमें डाला है जायज कैमरा लेंस। इसका मतलब हो गया कि पहला फोल्ड है जिसमें जायज लेंस आ गया, और जायज लेंस ऐसा है जो फोटोग्राफी के लिए कैमरे को लेंस बन, मतलब फोटोग्राफी में बहुत मास्टरी इस कंपनी की, और ये लेंस का ही निर्माण करता है, और लेंस में भी वही है कि कमाल की फोटोग्राफी आनी चाहिए। तो इसने वीवो के साथ, पहले भी आपने एक्स सीरीज में जायज कैमरे का मज़ा देख रखा है कि क्या काम करता है, वो के वही मज़े इसमें भी आने वाले हैं आपको। अब ये बूट हो जाए एक बार तो अंदर से भी दिखाऊँगी क्या क्या खूबी है। एक और चीज़ डाली है, अभी तक का सबसे एडवांस और लेटेस्ट प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 8 Zen 3 प्रोसेसर है, तो उसके कारण भी आपको बहुत मज़ा आने वाला है। विथ AI आया है ये फ़ोन, तो कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो AI बेस्ड इस तरह से हैं कि आपके बहुत सारे काम आसान होने वाले हैं। और दोस्तों ये तो लैपटॉप की तरह भी काम कर जाता है, तो कुछ मामलों में आपको लैपटॉप को नहीं लेंगे ना तो भी आपका काम हो जाएगा। ये हो गया हमारा डेमो मोड के साथ में ऑन, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है डेमो, मतलब ये आपके दिखाने के लिए आया है। तो आप जब दुकान आएंगे तो ये फ़ोन देखेंगे ना, तो आप देखना तो चाहेंगे ना कि यार मेरा कौन सा फ़ोन है, क्या है क्या नहीं है, तो आपको हाथ में लेकर के दिखाने में भी मज़ा आएगा, मतलब। तो ये मोड़ दिया, हाय 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 हाय, क्या फ़ोन है यार, क्या डिस्प्ले है आगे से पीछे से, मतलब मेरा तो अभी मन कर रहा है कि ये एक सैमसंग से थोड़ी सी दिक्कत ये थी यार कि सच में गर्म भयंकर होता है, और वही चार्जिंग वाले इश्यूज। अब ये इश्यूज इसमें सब रिजॉल्व हो जाएंगे,
फील बड़ा शानदार आएगा, जैसा सोचा उससे कई गुना ज्यादा खूबसूरत है, क्योंकि इसके पहले वाले कुछ फोल्ड हमने देखे मीटिंगों में वो इतने सुंदर नहीं लग रहे थे, तब मुझे लगता था यार सैमसंग को कहाँ बीट कर पाएगा, मगर जब वीवो आता है ना मार्केट में तो बड़ा प्यारा सा बन के आता है कि बस हाँ सैमसंग को बीट करना है, या एक्चुअली सैमसंग को बीट नहीं करना है ये मैटर नहीं करता, इसका वीवो का ये काम है कि मेरे ग्राहक जो मुझे पहचानते हैं, तो वीवो के ग्राहक तो बहुत सारे हैं, तो उनको उन्हीं की तरह का एक अच्छा सा प्रीमियम फ़ोन देना है, तो उनको फील आना चाहिए कि क्योंकि वीवो की आदत पड़ने के बाद अब दूसरी कंपनी में जल्दी से जा नहीं पाते हैं, क्योंकि हैंग नहीं होता है, टावर ज़्यादा आते हैं, गर्म नहीं होता है, बैटरी जल्दी से चार्ज हो जाती है, ऐसे कुछ फीचर्स होते हैं वीवो के शुरू से चल रहे हैं, वही फीचर इसके साथ है। अब इसके अंदर ड्रॉप टेस्ट किए हुए हैं, इसको कितनी बार गिरा गिरा के चेक कर लिया तो उसमें भी ये पास है। ये जो फोल्डिंग सिस्टम है ना, इस फोल्डिंग सिस्टम में इतनी बार इसको चेक कर लिया गया है, लाखों बार के रिकॉर्ड है इस फोल्डिंग सिस्टम को लेकर के, कोई कंप्लेंट नहीं है। तो ये सब चीज़ें जो हमने पहले वाले फोल्डों में कभी देखी थी, उन सब कमियों को आप भूल जाना, और इंश्योरेंस भी साथ में करा सकते हैं, और बड़े वाजिब रेट में इंश्योरेंस होगा, क्वालिटी वाली चीज़ आई है, ठीक है। इसके अंदर एक और चीज़ बहुत जोरदार है, 5700 mAh की बैटरी, 100 W का चार्जर, और प्रोसेसर जो मैंने आपको बताया है स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 प्रोसेसर, उसके साथ में वीवो की V3 चिपसेट भी है, उसके कारण आपके फ़ोन में बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती है, ठीक है। तो दोस्तों ये चीज़ें तो हो गई, अब आते हैं अपन कैमरे पे। नमस्कार दोस्तों, कैमरे की अगर बात करें तो अगर आपके पास वीवो का फ़ोन है तो ऑलरेडी आपको पता है कि वीवो के कैमरे से फोटोग्राफ एकदम बढ़िया आते हैं, और अगर आपके पास वीवो की प्रीमियम सीरीज है उस पर यहाँ जायज़ लिखा है तो फोटोग्राफ में और कमाल हो जाता है, और ये कमाल हमने कितनी बार देखा। अब फोल्ड का जो कमाल देखेंगे ना आप, तो ये तो पहला फोल्ड है जो जायज़ लेंस के साथ आया इंडिया में, और 64 MP का टेलीफोटो लेंस है, अल्टीमेट कमाल चीज़ों के साथ में। मेन कैमरा 50 MP का है और सेकेंडरी कैमरा भी 50 MP का है, और जो टेलीफोटो लेंस है वो 100x जूम के साथ है, तो फोटोग्राफी में तो कमाल है। फोटोग्राफी में इतने फीचर्स हैं कि मुझे कम से कम 15 मिनट लगेंगे आपको बताने में। मैं नॉर्मल बता दूं कि जायंस लेंस के जरिए 4 से 6 पोर्ट्रेट मोड मिल रहे हैं, उसमें पोर्ट्रेट कैमरे के इतने कमाल होंगे कि जब आप उसको यूज़ करेंगे तो आपकी फोटोग्राफी रात में हो, दिन में हो, लाइट में हो, अंधेरे में हो, कैसे भी हो, आप खुद कह देंगे कि मज़ा आ गया। जायज़ लेंस के पोर्ट्रेट मोड अगर आपने यूज़ कर लिए तो उसके बाद में वीडियो मोड अगर देखेंगे तो सिनेमैटिक वीडियो मोड है, उसमें सिनेमैटिक वीडियोग्राफी करने का अपने आप में मज़ा है। एक इसमें आता है लो एंगल मोड, कितनी बार क्या होता है अपन को घुटने के बल बैठ के नीचे से ऐसे कुछ करना पड़ता है, अगर आपने लो एंगल मोड यूज़ कर लिया तो आपको नीचे बैठने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर से ही आपका काम हो जाएगा। ये भी एक कमाल का फीचर है इसके अंदर, और ऐसे ही ढेरों ऑप्शन के साथ में एक मैन फीचर है कि सेल्फी विथ मैन कैमरा। जैसे ही आप ये फंक्शन ऑन करेंगे अंदर से आपकी डिस्प्ले पीछे की बजाय आगे आ जाएगी, और सेल्फी विथ मेन कैमरा ऑन करते ही एक बार देखते हैं, सेल्फी विथ मेन कैमरा पोज करना। सेल्फी विथ मेन कैमरा के लिए आपको यहाँ पे जैसे आप सेल्फी ले रहे हैं उस मोड में ऊपर के बाद नीचे जाने के लिए जैसे सेल्फी किया आएगा रियर HD सेल्फी, इसको ओके करेंगे और आपकी सेल्फी आ जाएगी इधर। इसमें गेस्चर मोड के जरिए या कैसे भी आप जब भी फोटो लेना चाहेंगे तो आपको फोटो का एक्सपीरियंस बड़ा प्यारा सा हो जाएगा, आप ढेर सारे ऑप्शन भी मिलेंगे, और इसमें जब फोटो लेंगे तो आप खुद कह देंगे, और इसको कहीं भी खड़ा कर देते हैं ना ऐसे साइड में खड़ा करके भी ले सकते हैं। अब एक बार नीचे दिखाइए, ये खड़ा हो गया फ़ोन और ये सेल्फी चालू हो गई, और दूर से गेस्चर का हाथ दिखा करके भी आपकी फ़ोटो आ जाएगी। तो ये एक अपने आप में कमाल है। फ़ोन बिल्ट बहुत मजबूत क्वालिटी की है, इतनी मतलब आसानी से टूटने वाला भी नहीं है। तो ये सब चीज़ों को जो कहीं नीचे रखा ना तो मुझे ऐसा लगा कहीं गिरना पड़ना हो जाए तो टूट टूट नहीं जाए, तो ये बिल्ट मुझे खुद को फील आ रहा है कि एक नंबर बिल्ड क्वालिटी है, और बड़ा प्यारा सा फ़ोन है दोस्तों। और दूसरा ये है कि यार फोल्ड चलाने के अब सपने जो है ना वो आपके पूरे हो जाएंगे, कि भाई जब भी आप फोल्ड चलाना चाहेंगे ना तो आप खुद कहेंगे कि यार वीवो का ही लेना चाहिए, क्योंकि 3-4 साल चलेगा या उससे ज़्यादा चलेगा, क्वालिटी वैसी की वैसी बनी रहेगी। ये एक्स सीरीज़ में हमने डेवलप कर रखा है कि जिसको भी एक्स सीरीज़ बेचा है वो आदमी 7 साल तक फ़ोन यूज़ कर लेता तो भी वो परेशान नहीं होता है। वैसे ही अगर आपको अब फोल्ड खरीदना हो लंबे टाइम के लिए, पहले जब हम दूसरे फोल्ड बेचते थे तो हम कहते हैं शोकिया फ़ोन है, 1-2 साल के लिए खरीद लीजिए, उसके बाद में ये जब जीरो होगा ना तो पूरा जीरो होगा, कुछ भी नहीं होगा। मगर इसमें आपको मिलेगा एक तो वीवो का इंश्योरेंस का ऑप्शन, दूसरा आसान किस्तों का ऑप्शन, तीसरा क्रेडिट कार्ड पर कैशबैक का ऑप्शन। इसकी कीमत अभी 12 बजे के बाद में पता चलेगी, तो थोड़ी देर में अगर मिल जाएगी तो मैं आपको कीमत भी बता दूंगा। तो बहुत सारे प्री बुकिंग ऑप्शन भी मिलेंगे, और ये भारत में हर जगह नहीं मिलेगा, लिमिटेड आउटलेट्स पे मिलेगा, तो आपको इसको प्री बुक भी कराना पड़ेगा, देखने भी आना पड़ेगा। किस्मत वाले हैं हम कि विजयनगर में हमारे को ये चीज़ मिल गई है, तो बस आप विजयनगर अगर आना चाहें तो यहाँ भी देख सकते हैं, और ऐसे ही बहुत सारे आउटलेट्स हैं जहाँ पर इसका डेमो उपलब्ध है, आपको वहाँ जाकर के सिर्फ डेमो देखना है, फील करना है,
और अगर आप प्रीमियम सेगमेंट में जाना चाहते हैं तो ये जरूर लेना है, बिंदास होके ले सकते हो, कैसे भी चलाओ, कवर वर लगा के चलाओ, बिना कवर चलाओ, हर तरीके से बहुत अपने आप में यूनिक होगा और अपने आप में मजा आ जाएगा। और एक बार देखने के लिए आ जाए खुशियों की दुकान भी, और बड़ा प्यारा सा फोन है, और कंफर्म हूं मैं कि आप दूसरा कोई भी फोल्ड चला रहे हो तो एक बार इसको देखते कह दोगे यार ये वाला बुक कर दो, प्रीमियम का प्रीमियम, क्वालिटी क्वालिटी और ड्यूरेबिलिटी बहुत अच्छी। और बच्चों के साथ में भी कभी कभी ऐसा होता ना यार, बच्चों को दे दिया तो क्या होगा, बच्चों को भी दे सकते हैं, महिलाओं को भी दे सकते हैं, लाइट वेट है, ज़्यादा दिक्कत नहीं, इसको तो महिलाएं भी टशन के साथ चला सकती है। गेमिंग एक्सपीरियंस स्पेशल हो जाएगा क्योंकि चिपसेट अल्टीमेट है, V3 की चिपसेट अंदर वीवो की कस्टमाइज होने से गर्म होने की प्रॉब्लम नहीं आएगी, और सैकड़ों प्रॉब्लम जो आप सोच सकते हो उन सब पे पहले R&D करके वीवो ने हर चीज़ को रिजॉल्व करके प्योर भारतीय आदमी के जो ज़रूरत की चीज़ें वो इसमें डाली है, उनको मज़ा आ जाता है। अगर आप ऑफिस का पूरा काम करना चाहें तो पूरा काम भी इसमें कर सकते हैं, ऐसी सब कुछ है, क्योंकि ब्रीफ करने में तो मेरे को शाम हो जाएगी, बस आप एक बार आएँ, चेक करें किसी भी आउटलेट पे जाकर के और प्री बुक करें बस। और हमसे जुड़ने के लिए हमें लाइक फॉलो शेयर कर दें यार, धन्यवाद। इसकी दो मुख्य बातें जो मैंने आपको नहीं बताई, वो तो पहली बात तो ये हो गई कि इसकी कीमत क्या है, इसकी कीमत है 1,60,000 रुपये, क्रेडिट कार्ड पे बेनिफिट मिलेंगे और आपको आसान किस्तों में EMI ऑप्शन भी मिलेंगे। और दूसरा है कि इसमें मेमोरी कितनी है, तो 16GB रैम और 512GB रोम के साथ मिलेगा, मतलब इंटरनल स्टोरेज भी सफिशियंट है, शुरुआत में 512GB, 256 का वेरिएंट ही नहीं डाला, तो ये भी एक बेहतरीन हो गया। तो 512GB और 16GB रैम में आप और बूस्ट भी कर सकते हैं, तो रैम और भी बढ़ सकती है, मगर इतनी ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, तो आपका काम इसमें हो जाएगा। तो बस इससे ज़्यादा जानकारी की ज़रूरत ही नहीं है यार, बस इसको प्री बुक करें और बेनिफिट्स उठाएं, कुछ ना कुछ बेनिफिट तो है स्पेशल छुपे हुए, तो प्री बुक के टाइम समझ में आएंगे। धन्यवाद, बाय बाय।